जो टीम जीत रही होती है वो हार जाती है, और जिस टीम का हारना कंफर्म हो चुका होता है वो आखिरी सेकंड्स में भी जीत जाती है। और ऐसा जब भी होता है वो किसी एक प्लेयर की वजह से होता है, क्योंकि वो आखिरी सेकंड में कुछ ऐसा कमाल कर जाता है जिससे उसकी टीम हारी हुई बाजी जीत जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम स्पोर्ट्स की तारीख के चंद ऐसे ही दिलचस्प कमबैक्स दिखाएंगे जिससे टीमें हारी हुई बाजी जीत गईं। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 7, दोस्तों, चेक रिपब्लिक में हर साल मुनक्कद होने वाली साइकिल रेसिंग में कुछ ना कुछ कमाल की चीजें होती रहती हैं। उसी में एक वाकया है माइकल मोर्स का। साइकिल रेस स्टार्ट होने के फौरन बाद ही माइकल रेस ट्रैक पर कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो अपनी साइकिल को लेकर बुरी तरह गिर गए, जिनकी वजह से उन्हें कई चोटें भी आईं। और फिर ऐसे लगने लगा कि माइकल इस रेस में है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे पीछे रह गए थे। लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी और अपनी साइकिल उठा के फिर से चलाने लगे, और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस रेस में माइकल कुछ ऐसा करने वाले हैं। दोस्तों, आखिरी कुछ सेकंड में माइकल एक जबरदस्त टर्न करके आगे भी निकल गए और वो रेस भी जीत गए। नंबर 6, दोस्तों, एशिया कप 2014 का फाइनल मैच किसे याद नहीं, जिसमें पाकिस्तान को आखिरी 4 बॉल पर 9 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था। सबको लग रहा था कि यह मैच इंडिया जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के मायानास खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी ने आखिरी लम्हात में कुछ ऐसा किया कि मुखालफ टीम के होश उड़ गए। अफरीदी ने 2 बॉल पर लगातार 2 छक्के लगा के एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान के नाम कर दी। और यूं पाकिस्तान 2014 का एशिया कप का फाइनल जीत गया। नंबर 5, दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज तरीन इंसान उसैन बोल्ट को तो आप जानते ही होंगे। बोल्ट ओलंपिक्स में इकट्ठे 3 बार गोल्ड मेडल जीते हों। बोल्ट के कैरियर में एक बेहतरीन वाकया है जिसमें वो रेस बिल्कुल हार रहे थे। रेस में बोल्ट की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी और वो सबसे पीछे रह गए थे, लेकिन आखिरी सेकंड में फिर वो कुछ ऐसा दौड़े कि कैमरामैन भी सही से उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाया और उसैन बोल्ट वो रेस आखिरी सेकंड में जीत गए। नंबर 4, दोस्तों, फुटबॉल के मैच में जब एक टीम के जीतने का बिल्कुल इम्कान नहीं था, तब उस टीम का गोलकीपर आखिरी सेकंड में अपना गोल छोड़ के आगे मैच खेलने आ गया, और उस गोलकीपर ने आखिरी सेकंड में एक ऐसा शॉट मारा जिससे जीतने वाली टीम के होश उड़ गए। गोलकीपर के इस गोल की वजह से मैच 2-2 गोल से ड्रा हो गया। नाजरीन, इस जबरदस्त गोल को एक दफा फिर से गौर से देखिए, ये वाकई में एक कमाल का शॉट था। नंबर 3, दोस्तों, बाहर के ममालक में लोग स्पीड स्केटिंग को बहुत शौक से खेलते और देखते हैं। हर साल ओलंपिक्स में भी ये खेल खेला जाता है, लेकिन इस खेल में एक ऐसा मजे वाला वाकया हुआ जब 5 लाख अलग मुल्कों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 प्लेयर बहुत माहिर और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, लेकिन उनमें मौजूद 5वां खिलाड़ी स्टीव को बस सिंपल स्केटिंग आती थी। वो इस गेम में इतने माहिर नहीं थे। आप देख सकते हैं कि वो इस रेस में कितने पीछे हैं, लेकिन रेस जब खत्म होने वाली थी तब कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। स्टीव के आगे मौजूद 4 प्लेयर एक दूसरे से टकरा के गिर गए और स्टीव ये गेम जीत गए। स्टीव ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्पीड स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता हो। नंबर 2, दोस्तों, फुटबॉल या क्रिकेट में ही ऐसे कमबैक्स नहीं होते। इस हॉर्स रेसिंग में बर्ड नाम का घोड़ा सबसे पीछे है, और वो इतना पीछे है कि स्क्रीन में भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब रेस आखिरी सेकंड्स में पहुंची नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि देखते ही देखते बर्ड नामी घोड़ा तमाम साथी घोड़ों को एक के बाद एक करके पीछे छोड़ने लगा, और इस घोड़े ने आखिरी सेकंड्स में ये रेस जीत के अपने नाम भी कर ली। नंबर 1, दोस्तों, 2014 में यूक्रेन एथलेटिक चैंपियनशिप में फ्रांस ने 9 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल फ्रांस की एक वुमेन रेसर ने जीता था। इस रेस में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जब सबको लग रहा था कि फ्रांस की वुमेन रेसर इस रेस में सबसे आखिरी पोजीशन पर आएगी, क्योंकि आप बाकी खिलाड़ियों से उनका डिस्टेंस देख ही सकते हैं। लेकिन उस रेसर ने हार नहीं मानी और रेस के आखिरी पल में ऐसा कम बैक किया कि सबके होश उड़ गए। इस फ्रांस रेसर ने खेल के आखिरी पल में ये रेस जीत के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये तो थे खेलों की दुनिया के चंद बेहतरीन कम बैक्स जिसमें टीमें हारी हुई बाजी जीत गईं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्ला।